तो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाबार्ड ग्रेड ए 2023 फेज टू क्रैश कोर्स. बट बिफोर वी डिस्कस दैट, आई वांट टू हैव अ लिटिल टॉक विद यू, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड आफ्टर फेज वन बहुत अनसर्टेनिटी है नाबार्ड के पेपर में. स्पेशली वाई दिस अनसर्टेनिटी इज देयर, क्योंकि सबसे पहले इन फेज वन यू हैव मेरिट एंड नॉन मेरिट. मैनी अ स्टूडेंट आई एम सीइंग कि मैम मेरिट सेक्शन में आई हैव गॉटन यू नो अराउंड 59, आई गॉटन अराउंड 62, 61, अच्छे मार्क्स हैं, विच इज़ वेरी 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 गुड स्कोर. बट अब नॉन मेरिट में मैम कंप्यूटर में आई डोंट नो 3 to 5 में कट ऑफ हो सकती है. मैम क्वांट के सेक्शन में आई एम वरिड, क्या 2 to 5 कट ऑफ जा सकती है? तो क्योंकि 7 कॉम्पोनेंट इज़ नॉट अ ईजी टास्क, और उसमें भी मेरिट नॉन मेरिट ये वाला सीन हो जाता है, सेक्शनल कट ऑफ निकालनी है, मेरिट कट ऑफ निकालनी है. द सेकेंड थिंग आई वुड से इज रिजल्ट. एंड रिजल्ट में क्यों इतनी अनसर्टेनिटी है? बिकॉज देयर इज नो वे, स्पेशली दिस ईयर आई वुड से, कि नाबार्ड का रिजल्ट एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना कि आफ्टर हाउ मेनी डेज और अराउंड वट डे आपका रिजल्ट आ जाएगा इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. वाई? क्योंकि आपकी नोटिफिकेशन में यू मस्ट हैव नोटिस्ड देयर इज नो डेट फॉर फेज टू. फेज टू में उन्होंने कोई भी इवन टेंटेटिव डेट भी प्रोवाइड नहीं कर रखी है. दैट इज वाई वी कैनॉट से कि ठीक है, आई कैन से कि बिफोर यू नो 20 डे बिफोर द फेज टू ऑफ योर एग्जामिनेशन आपका रिजल्ट आ जाएगा, बट अभी वी डोंट इवन हैव द एग्जैक्ट डेट ऑफ फेज टू. सो दैट इज वाई दिस इयर्स नाबार्ड एग्जामिनेशन आई डू अंडरस्टैंड इज फुल ऑफ एनजाइटी. बट यहाँ पे आपको भी एक चीज समझनी है, ऑल दो वी आर अनसर्टेन बट द टाइम इज टिकिंग, टाइम जा रहा है डेली, उसके लिए वी कैनॉट से. सो वट आई वुड सिंपली गिव यू इज, कल भी हमारा डिस्कशन हुआ था, अ लॉट वी गो इन टू डेप्थ. नाबार्ड की फेज टू की प्रिपरेशन को डू नॉट हॉल्ट कम्प्लीटली. आप उतनी प्रिपरेशन करो जितने आपको चांसेस लग रहे हैं. इफ़ यू आर 100% श्योर कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, देन प्रिपरेशन फॉर फेज टू ऑफ नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन शुड बी 100%. वेर एज इफ यू थिंक कि 30% चांसेस हैं, तो प्रिपरेशन भी 30% करो. ठीक है, अगर आपके पास कोई एग्जाम बी है, प्लान बी है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो अलॉन्ग विद दैट यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. इसके अलावा इफ आई हैव टू टेल यू कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ओके यू हैव नो प्लान, नाबार्ड वॉज द वे, कि या तो आप इस साल का नाबार्ड दे रहे हो या फिर नेक्स्ट ईयर देखोगे, बट नाबार्ड इज फॉर यू, ओनली नाबार्ड, इन दैट केस आई वुड से कि मत रुको. चाहे आपको आपके चांसेस 0% लग रहे हो, बट इफ नाबार्ड इज योर अल्टीमेट गोल, अगेन गो फॉर 100%. तो आई डू होप यहाँ से आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल गई हो. वन ऑफ द कैंडिडेट ऑल्सो डिस्कस विद मी इन द लास्ट क्लास कि मैम ओके आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर SBI, हाउ कैन आई बैलेंस इट आउट. तो मैंने उसको भी सजेस्ट किया था, द सेम थिंग आई सजेस्टेड टू यू. इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर द 6 आवर डेली, 2 आवर फॉर नाबार्ड एंड 4 आवर फॉर द अदर एग्जाम, द प्लान बी एग्जाम दैट यू हैव, यू कीप इट फॉर दैट. वंस द रिजल्ट इज आउट एंड यू आर इन, विच आई एम श्योर कि अगर आपने प्रिपरेशन की है तो आप डेफिनेटली इन होंगे, देन आपको कंप्लीट 6 आवर देने हैं ओनली फॉर नाबार्ड. नाउ वट इज़ द अल्टरनेटिव अगर आप ये नहीं करना चाहते? तो देखो, आई वुड से कि रिजल्ट के बाद इफ़ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 डिफिकल्ट. वाई? क्योंकि फेज वन ऑफ योर एग्जामिनेशन इज स्टिल द फेज वन, स्टिल द स्क्रीनिंग एग्जाम. द पीपल हु हैव क्लियर्ड दिस, जिन्होंने फेज वन क्लियर कर लिया है, उनके लिए नाउ दे हैव फर्स्ट ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट्स आर देयर, उसमें से भी ESI ARD दे आर ऑलरेडी डूइंग. They might have, you know, covered the chapter, covered the MCQ. Now they are just practicing. अब आप उस टाइम पे स्टार्ट कर रहे हो. इफ यू आर somebody जिसने ESI static एंड ARD static के चैप्टर छोड़े हुए थे, नाउ यू आर इन बिट वरी, शुड आई रिवाइज द चैप्टर दैट वर इम्पॉर्टेंट और शुड आई गो फॉर न्यू चैप्टर, शुड आई स्टार्ट टाइपिंग फास्ट, शुड आई प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, शुड आई गो फॉर एसे, शुड आई गो फॉर लेटर, देर विल बी वेरियस क्वेश्चन. तो वट यू कैन डू इज some preparation need to be there. If you are not sure, just revise the topic that you have already done, focus on those. Once your exam is out, you will be at some level of preparation. Now the second question can be, okay, I do understand ki I have to prepare for NABARD at a certain point, certain level I have to prepare, but what should I prepare first? It is a very valid question. So my recommendation for you is to, first what you can do, you can chart out what remaining chapters are there that you will have to do, and in chapters ko you will have to cover, right? This is the first step that you will have. Now the coverage ka method will be different, because you, again, what you need to do, you don't need to go through a whole summary sheet, then make your own note, then practice the quiz. That you can do, but after summary sheet, what I would recommend you is jump into the answer writing of that particular chapter. Let's say you are doing
agri engineering today, or let's say you are doing agri extension today, or let's say you are doing rural development today. So just read out the chapter, but practice through the answer writing. This method is going to be changed for the phase 2 of your examination. Rest, the syllabus is same, so you do not need to worry, right? So dekho, agar 0% preparation kar di, to phase 2 will be next to impossible, right? This you need to sink in. Kyunki people are preparing, the people who have cleared it have certain knowledge of ARD and ESI. And now, since they have started early, unko advantage definitely hoga. And I do know ki some of you already prepared late. So you do know ki kitni anxiety hoti hai, kitne anxious hote hai when we start late. Then humko lagta hai, maybe I must have started, you know, 1 hour early. Mujhe 1 month early, mujhe 1 week early. I should not have wait for the notification. Wo regret aap face kar chuke ho. Don't make the same mistake in phase 2. Theek hai? So timely aapne preparation start kar deni hai. It will be either positive or neutral, but if you do not start, it will end up in the negativity, negative thoughts, negative result. So this you will have to keep in mind, and before you make your decision, ultimately kyunki decision aapka hai, the thing I can do is for you is I can let you know what the scenario is and help you make you understand the decision, but ultimately yes, no preparation pe call aapne leni hai. And if you're worried ki, okay, should I invest for the phase 2 preparation or not, go for, invest your time and go for the free sources. YouTube pe already aapki classes ho chuki hai, unko revise kar lo through YouTube, right? Jo upcoming classes hai, unka advantage le lo, but do not completely give up on yourself. Now, yahan pe the second thing I have to tell you is about the course. So, EduTap is providing the phase 2 crash course that will be focusing only on the phase 2. The course we have already launched on 17 October 2023. Here you will get daily target live classes, daily doubt resolution classes and the live classes in which all the important topic for your phase 2. Yahan pe, since we are assuming ki some basics are done, some basics you have done, okay, in the ARD ESI, so we will be building up on that. If you feel like, okay, no, in this chapter I have confusion, you can always ask the teacher. So this will come under the doubt resolution, so you do not need to worry. Coming to what offerings are there, so you will see ARD ki report, ESI ki current affair, ESI ki report, everything will be here. Everything will be offered to you along with descriptive English, you know, FLTs for phase 2 will also be provided to you. So you can get the actual idea ki how the examination will be there. Now, what we are offering in the live classes, so you will have descriptive English ki live classes, ESI static, ARD static, current affairs and answer writing framework pe you will also get the classes, right? Now, phase 2 ki classes, when will the live class start? So live class start from 25 October and before that you will have orientation on the 24th October. So you can join me on the YouTube. Let me tell you, the first 2 classes of ESI demo classes will be free on YouTube. Sirf 2 classes free hongi YouTube mein aapke liye, so that you can, again, agar start nahin kar rakha result aane tak, 25 tak let's say result nahin aaya, so you should not be at zero level, right? The classes will be held at 2 slots. First slot will be 3 to 5 pm. The second slot will be 6 to 8 pm. In first slot, ARD static, ESI static and the answer writing framework will be taken. Slot 2 may we will focus on the current affair and descriptive English component. 29 classes will be there. I am excluding the orientation class. Orientation ke saath ye 30 ho jayengi. This number of classes you will be getting live. So, classes, how the classes are divided, so descriptive English ki 5 classes, ESI ki 4, ARD ki 6 and current affair ki 10 classes will be conducted, okay? So, ab humare paas time hai, let's go ahead and see what offering are there, but before that, let me also tell you about the YouTube plan. So, thoda sa course dekh lete hain, after that, free aapke YouTube mein kya kya classes aapko milegi, that I'll discuss. Further, tomorrow I'll discuss, I'll come live and I'll also explain ki aapko kya kya cheeze free milte hai, but pehle crash course pe we will focus on. Okay, so let's go ahead and check the course out. Okay, so this is your course. This is your crash course for NABARD Grade A 2023. So here you can see, you in this course, you will get descriptive English, ARD crash course, current affair, ESI, full length mock test for phase 2. And this full length mock test will be evaluated. So you have evaluation ke saath mil raha hai, where the faculty or the evaluators we have, they will check your answer, they will see ki what is your current status, how you can improve it, and after you give second evaluation paper, they will also evaluate it and you can also compare on your end ki aapko kaisi offerings mil rahi hai, what you are getting there, value kaisi hai, how can you improve your answer writing, aap apne marks ko kaise improve kar sakte ho.
एंड एक और चीज समझना कि वाई फेज टू इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज फेज टू इज ऑफ 200 मार्क्स एंड द मार्क्स विल ऑल्सो बी कैलकुलेट ऑल्सो विल बी कैलकुलेटेड और कंसिडर इन योर फाइनल सिलेक्शन. फाइनल सिलेक्शन 250 में होती है. आउट ऑफ 250, 200 आर ऑफ फेज टू, 50 आर ऑफ इंटरव्यू, टोटल विल कम आउट टू बी 250. राइट. सो इसीलिए फेज टू में आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है. दीज आर द ऑफरिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट. नाउ बिसाइड दिस, एज यू कैन सी हेयर, आपकी लाइव क्लासेस भी इसमें होंगी. एंड Not only the content, you will also get full mentorship here, where the mentorship is extended to through the weekly mentor talk, through the Calendly call that we are having, through the special session that we are having, through the strategy call that you can request. So strategy call, although aap sab request kar sakte ho, but this is something that you are going to get. Let's first open the live practice classes, and I'll share the schedule with you, how the classes will be conducted and so, right? So this is the schedule that you are going to get. So here you can see 25th say the classes are getting started. Already I have told you the slots. First class will be of the ESI, then the on the same day evening mein you will have descriptive English. Second class, second day on ESI, then evening mein descriptive English. As such these classes will be there. What you can do if you have not covered the topic that are written there, so aapko thoda sa wo prepare karke aana hai. Teacher will be discussing these topics and you can ask your doubt also in the classes. राइट. तो ये आपके टारगेटेड सेशन होंगे दैट टीचर विल ट्राई टू कवर ऑन द सेम क्लास. सो हियर यू कैन सी ऑल द क्लासेस आर मेंशनड हियर. 29 क्लासेस. क्लासेस विल एंड अप ऑन 10 नवंबर 2023. स्टिल यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम. अगर पेपर और डिले होता है व्हाट वी विल डू, वी विल कंडक्ट सम अदर रिविजन क्लासेस. थोड़ा सा रिवाइज वैसे ही कर लेंगे थ्रू यूट्यूब और सो, बाकी कुछ करेंगे. या फिर आप अपने एंड पे प्रिपरेशन करके मॉक प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो. आफ्टर 10 ऑल्सो द टाइम यू आर गेटिंग, आइडियली बेस्ट होगा कि यू गो फॉर द मॉक टेस्ट. बेस्ट वही चीज़ है. राइट. तो आपको कोई क्लासेस वगैरह की जरूरत नहीं है यहाँ पे. आप अच्छे से मॉक देना, थोड़े से मैराथन सेशन दैट आर देयर आप उनको देखना. यू विल बी परफेक्टली रेडी फॉर द क्लास. आई होप यहाँ से यू गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन दिस. सो दिस इज अबाउट द लाइव क्लास स्केड्यूल. नाउ लेट्स गो फॉर द कोर्स. सो लेट मी जस्ट चेक द ARD कोर्स, वट यू आर गोइंग टू गेट इन द ARD कोर्स. तो ARD कोर्सेज में फॉर द फेज टू यू विल बी गेटिंग, लेट मी जस्ट ओपन अ चैप्टर ऑफ, ओके लेट्स गो फॉर द चैप्टर नंबर 8. तो चैप्टर नंबर 8, एज यू कैन सी, फर्स्ट यू विल हैव द समरी शीट. तो समरी शीट अगेन फॉर क्विक रिविजन. इफ यू ऑलरेडी हैव कवर्ड इट, आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है रिविजन. अगर यू आर समबडी हु हैव आर गोल्ड कोर्स, हु हैव आर सिल्वर कोर्स, आपको ये सारी ऑफरिंग ऑलरेडी विल बी देयर इन योर कोर्स. इवन व्हेन यू हैव क्रैश कोर्स फेज 1 प्लस फेज 2, ये सारी क्लासेस आपके लिए ऑलरेडी प्रोवाइडेड होंगी. सो यू डू नॉट नीड टू बाय द कोर्स अगेन. ओके. बट अगर आपने अपने नोट्स बना रखे हैं यूजिंग द समरी शीट, और यू माइट हैव यू नो रेफर टू द PDF, देन उसको आप अपना प्राइमरी सोर्स रख सकते हो. बट अगर आपने समरी शीट रेफर किया और यू आर टोटली न्यू टू फ्यू चैप्टर्स, देन येस गो अहेड एंड रेफर टू दी समरी शीट. तो फर्स्ट विल बी द समरी शीट. द सेकेंड विल बी डिस्क्रिप्टिव मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर. इसके लिए दिस पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग. नाउ लेट मी टेल यू हाउ यू कैन यूज इट. सो दिस यू कैन सी चैप्टर 8 वाटर मैनेजमेंट में है ये. यहाँ पे वट यू विल हैव टू डू, सी द क्वेश्चन विल बी देयर. नाउ दिस क्वेश्चन ना, दिस इज वेरी मच आई वुड से इन लाइन विद योर एक्चुअल एग्जामिनेशन. ठीक है, तो ये उससे बहुत इन लाइन करता है. सो वट यू विल हैव टू डू, सेम लैंग्वेज वाइज भी और वैसे भी, तो फर्स्ट यू शुड ट्राई टू राइट द आंसर ऑन योर एंड. पहले आपने वो ट्राई करना है. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द थिंग्स दैट आर गिवन देयर, ऑल्दो नहीं मैं बोलूंगी बट कर सकते हो. आफ्टर दैट व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू चेक आउट द आंसर, व्हाट द आंसर इज सेइंग, हाउ मेनी पॉइंट्स यू हैव रिटन, व्हाट पॉइंट यू हैव मिस्ड, हाउ यू कैन राइट बेटर. सो यू विल टेक द हेल्प ऑफ दिस. राइट. आफ्टर दैट दिस व्हाट विल हैपन इफ यू हैव डन दिस. लास्टली देखो, सारी चीजें हम तो नहीं बताएंगे, ऑल दो आई कैन टेल यू 10,000 थिंग्स, बट इफ यू आर नॉट एबल टू राइट इवन वन थिंग, देर इज जीरो रिजल्ट दैट वी आर गेटिंग. तो क्योंकि वी आर ईगर टू गेट द रिजल्ट फ्रॉम यू, सो वी हैव गिवन सम होमवर्क क्वेश्चन फ्रॉम यू. दीज क्वेश्चन यू विल हैव टू अटेम्प्ट ऑन योर एंड. ये आपके इवेल्युएट नहीं होंगे, दिस यू विल हैव टू इवेल्युएट ऑन योर एंड यूजिंग द समरी शीट और सो. तो आपने इनका आंसर खुद से ट्राई करके लिखना है. राइट. सो दिस इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट. बाकी इवेल्युएशन के लिए इफ यू वॉन्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, यू कैन ऑलवेज गो फॉर द फुल लेंथ मॉक टेस्ट फेज 2. लेट मी ऑल्सो ओपन द फुल लेंथ मॉक टेस्ट 2 सो दैट आई कैन शो यू कि जो आपका एग्जामिनेशन में इंटरफेस होता है हाउ इट इज. राइट. सो लेट मी जस्ट ओपन द ESI ARD द फुल लेंथ मॉक टेस्ट 1. राइट. द टेस्ट दैट वी आर गोइंग टू टेस्ट फर्स्ट, सी यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव और डिस्क्रिप्टिव मॉडल क्वेश्चन आंसर टू रेफर
कि कैसा आपका आंसर होना चाहिए, दैट यू कैन डू. तो इफ आई गो फॉर द ऑब्जेक्टिव, द टेस्ट विल बी सेम एज योर एक्चुअल टेस्ट, राइट? तो इंटर ऑलमोस्ट सेम, आई वुड से नॉट सेम सेम, बट यहाँ पे इफ यू हैव गिवन द फेज वन, यू वुड सी कि यहाँ पे ऐसे आपको विंडो दिखती है वेयर यू कैन सी हाउ मेनी क्वेश्चन यू हैव डन और सो, राइट? सो लेट्स से आई एम क्विकली गोइंग फॉर सम क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव अटेम्प्टेड, आई जस्ट ओपन टू क्वेश्चन. तो देखो यहाँ पे फेज टू में दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन आर देयर वेयर अ लॉन्ग पैराग्राफ इज गिवन एंड यू विल हैव टू राइट द आंसर फॉर दिस. ओके, सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सी. सो लेट मी जस्ट गो फॉर दिस एंड आई विल सबमिट इट. ऑल्दो इसी से रिलेटेड आपको नेक्स्ट क्वेश्चन विल ऑल्सो बी लाइक दिस, कि ऑन द सेम लाइन इट विल बी देयर, राइट? सो यू कैन डू दिस ऑल्सो. ओके, तो इसको लेट से आई गो फॉर दिस एंड आई सबमिट इट. So this will show you how many you have answered, how many you have skipped, how many are for review. Once you submit it, this will give you your score. How many correct, incorrect, negative marking, how many you have skipped, what is your accuracy percentage, everything will be given to you. If you want to view the solution, just go for view the solution and you can check what was the correct answer along with the explanation. Now this explanation is not one line, two line explanation. आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा जिसमें वाई द आंसर इज करेक्ट, वाई द अदर ऑप्शन आर नॉट करेक्ट, इस टाइप की सारी चीज़ें आपसे डिस्कस होंगी, राइट? सो एज यू कैन सी हियर, सी, सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस जस्ट लाइक दैट. ओके, सो आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस पर्टिकुलर टेस्ट. नाउ लेट मी शो यू हाउ द डिस्क्रिप्टिव पार्ट का आंसर विल लुक लाइक. देखो यहाँ पे आपका स्कोर भी दिख जाता है. सो लेट मी जस्ट गो फॉर द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दैट आई विल शो यू. तो यहाँ पे देखो अगेन द इंटरफेस विल बी ऑलमोस्ट सेम. तो यहाँ पे I have told you कि if you want to practice the answer writing, do so in the one third of the notepad. Why? क्योंकि interface will look something like this. तो यहाँ पे you will have to write your answer. Okay? Then you will have to go for next question. Then you will write your answer. Right? Then you will have to go for next. Again, two questions out of three only you can attempt two. So you will submit it like here. Okay? Once that is done, you will submit okay and it will show you, it will be like gone for the evaluation and faculty will evaluate it and then you will be able to check it. Okay, so I have although attempted it, so it's sinking in. This I have told. Okay, so these are 15 marker question, that there also three question will be there and two question you need to attempt. Okay, here you can see two question you will attempt, you will press next and it will be submitted. Okay, I'm not submitting although, and afterwards you can also download the copy from, once the copy is, you know, downloaded, you copies up evaluated and checked and the comment have been made, you can download your copy, right? So this is that you are going to get in the crash course. Similarly, let's open the descriptive English very quickly, what you are going to get here. So here you can see Narveer sir will teach you everything about the essay writing, first of all, pressy writing, reading comprehension, letter writing, and you will also get the essay fodder material. Okay, so this you will also be able to get here. All right, so this is something that you need to note down regarding the descriptive English also, and full length mock test I have also shown you. So ESI ARD almost will be same. ESI mein although you will also get the mind map. So let me just open one mind map for you, how mind maps look or so, right? So this is your one mind map. So this is your mind map and these everything is downloadable. So if you see the attachment here, so you just have to click on this. If you press download, the file will start getting downloaded. Okay, so this option you also have so that you can revise wherever you want. See, the mind maps are downloaded. So this is the mind map basically. So what it is, it will give you idea how to revise very quickly. So as you can see here, with the help of these, you can revise your particular chapter very easily. And I mean, say it will be the half an hour it will take you. Hardly half an hour it will take you to, you know, sum up whole chapter. So even if you have not done ESI well, you are worried ki when to cover, when to revise. You focus on covering the chapter, revision will be done. ARD mein there are no mind map for now, right? ARD mein because important component hai, I hope you already have done it, toh aapko itni zarurat padhne bhi nahi wali hai, right? So this is it for the course. If you have any doubt, just let me know. Now continuing, ki aapko YouTube mein bhi kya milne wala. Toh dekho, from today, by 5 PM, aapki we are starting the lectures that are going on, wahan pe aapka आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस हो रही है, दैट विल बी नाबार्ड स्पेशल फ्रॉम नाउ ऑन, राइट? तो आपको नाबार्ड स्पेशल सेशन मिलने वाले हैं. सो प्लीज़ गो अहेड, सी हाउ टू राइट द आंसर. सुरभि मैम विल टीच यू द आंसर राइटिंग. आपको आज से शुरू करना है.
एंड ऑल्सो आई वुड रिकमेंड यू कि कल मैं आपके पास आने वाली हूँ विद अ प्लान एंड द एआरडी का वी आर एट द ऑलमोस्ट फिनिशिंग स्टेट ऑफ द एआरडी. तो बट इसके अलावा वट चैप्टर्स नीड टू बी देयर दैट वी विल डिस्कस टुमारो. ओके, कि आपको किस किस से रिलेटेड सेशन चाहिए और सो. तो दैट विल बी इट. थैंक यू सो मच. इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द कोर्स यू लेट मी नो. बट जो मेरे लिए मेरे पास लास्ट सरप्राइज है, तो वी हैव एक्सटेंडेड द डिस्काउंट, राइट? सो लास्ट टाइम द डिस्काउंट वॉज 50%. सो आफ्टर सम ऑफ यू रिक्वेस्टेड एंड ऑल्सो अ लिटल नैगिंग फ्रॉम माई साइड, सो वी हैव एक्सटेंडेड द डिस्काउंट टू 60%. यूज द कोड नाबार्ड 60. गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल फाइंड द लिंक. तो उस लिंक को आपने यूज करना है, ओपन दैट एंड वहां पे जो कोड आपको पूछेंगे तो नाबार्ड 60 अप्लाई करो. फुल प्राइस पे मत लेना कोर्स को, 60% ऑफ पे ही लेना. तो दिस कोर्स, दिस पर्टिकुलर ऑफर विल बी रनिंग फॉर फ्यू डेज. आफ्टर दैट अगेन दे कैन रिड्यूस. तो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय इट, दिस इज द गुड टाइम. ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू, बट आपको ये अपना डिसीजन है, कंसिडर इट वेरी केयरफुली. तो थैंक यू सो मच. इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू डू नो to write in the comment section. If you have any suggestion also, you can write that in the comment section. We'll be looking forward to it. Have a nice day. Take care.